खुदा के खादम को और खुदा के कलाम को जोरदार तालियों से वेलकम कहें। आज हमने फरिश्तों के बारे में भी बड़ी कमाल से सीखा है कि फरिश्ते किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, और जिस माशरे में हम लोग रहते हैं उस माशरे में भी हम लोगों पर बड़े सवालात उठाए जाते हैं, हमसे सवालात पूछे जाते हैं, और कुछ मसीही तो उनका जवाब देते हैं और कुछ जो है उनसे जान छुड़ाते हैं। आज हम एक हवाला पढ़ेंगे और फिर हम इसके बारे में गौर फिक्र करेंगे। हवाला है पहला पत्रस, उसका तीसरा बाब है, पहले पत्रस का तीसरा बाब, और उसकी सिर्फ 15वीं आयत हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत, उसको हम पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे। कोई भी इस कलाम को पढ़ सकता है। बल्कि मसीह को खुदावन जानकर अपने दिलों में मकद्दस समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिलम और खौफ के साथ। आमीन। मगर हिलम और खौफ के साथ। खुदावंद का कलाम पढ़े जाने और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। ये वो मरकजी आयत है जिसने मुझे ये जो आज का मौजू है वो लाने पर मजबूर किया कि हम गैर कौमों में किस तरीके से अपने ईमान का दिफा कर सकते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है वो भी यही है, एक मसीही ईमान का दिफा कैसे करे, ये आज का हमारा मौजू है। अगर अंग्रेजी जबान में हम सीखें तो अंग्रेजी जबान में इसको अपोलोजेटिक कहते हैं। आपको याद होगा कि पिछले दिनों मैथ्यू सुलेमान साहब इसी चर्च में आए थे और रात का वक्त था, तो उन्होंने इसी मौजू को थोड़ा सा टच किया था। तो आज मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ कि हम मसीहों को किस तरीके से अपने ईमान का दिफा करना चाहिए। और जो आज हमने मरकजी आयत पढ़ी है उसके आखिर में लिखा है, जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, क्या रहो, मगर उसमें एक कंडीशन भी लगा दी गई है। कंडीशन ये है कि हिल्म और खौफ के साथ। अजीजों, जो हिल्म लफ्ज है ना, जब हम रूह के फलों का जो हम स्टडी करते हैं रूह के फलों की, जो कि गलतियों 5वें बाब में है, तो हिल्म जो है वो 8वें नंबर पे आता है। हिल्म, अब हिल्म जो है इसके लिए इब्रानी लफ्ज एक इस्तेमाल हुआ है, और इब्रानी लफ्ज जो है वो है अनाफ। बुनियादी मायने अगर इससे लिए जाएं तो वो गरीब के भी हैं, एज पर डिक्शनरी में बयान कर रहा हूं, और मजलूम, ठीक है, मुसीबत ज़दा, ये इसके मायने डिक्शनरी के मुताबिक हैं। और आमतौर पर जो हम हिलम के जो मतलब समझते हैं वो पारसाई समझते हैं, ठीक है जी, पारसाई सादगी का सफर हमारे जहन में होता है कि हिलम का मतलब पारसाई और सादगी वगैरह है। यानी वो आदमी, हिलम का मतलब ऐसा आदमी है जो हलीम है या हिलम वाला है, वो आदमी है जो हर तरह की बात को बर्दाश्त कर जाता है। और हमारे सामने एक जिंदा मिसाल मौजूद है पास्टर साहब, मैं इनके सामने ये बात नहीं कर रहा, मैं इनके बैग पे भी ये बात करता हूँ कि ये बर्दाश्त कर जाते हैं, शायद हमें उतनी बर्दाश्त नहीं है, ये कर जाते हैं। तो दूसरा जो लफ्ज इसमें इस्तेमाल हुआ है वो खौफ इस्तेमाल हुआ है, मुस्तहिद रहो मगर हिल्म और खौफ के साथ। खौफ का मतलब ये नहीं है कि कोई हमसे सवाल करे तो हम डर जाए या उधर से भाग जाए, खौफ का मतलब हरगिज ये नहीं है, बल्कि खौफ का मतलब ये है खुदा का खौफ, उन लोगों का खौफ नहीं। और खौफ के जब हम मीनिंग्स देखते हैं, मतलब देखते हैं इसका, तो इसका मतलब है डर,
रोब, दबदबा, हैबत वगैरह, ये खौफ के मीनिंग हैं। तो जब हम अपने ईमान का दिफा करते हैं तो अपने ईमान के दिफा का मतलब हर चीज ये नहीं, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है भाई, ये सुन लो, अपने ईमान का दिफा लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं है। आपने देखे मनाजरे सुने होंगे, मैं खुद अपोलोजेटिक हूँ, मैंने सिर्फ सेमिनारी नहीं कर रखी, मैं अपोलोजेटिक भी हूँ और सवालों के जवाब देता हूँ, ठीक है जी। और इसी गरज से मैं ये लेके आया हूँ कि आप लोगों में भी अंग्रेजी में जो लफ्ज अपोलोजेटिक इस्तेमाल किया जाता है उसके मीनिंग और उसकी कदर कीमत आपकी आपके लिए लेके आऊं कि इसकी कदर कीमत क्या है। लोग हमसे सवाल करते हैं, हम उनका जवाब देते हैं, मैंने कोर्स कर रखा है अपोलोजेटिक का, ठीक है जी। और उसी की चंद बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ आज। पहली चीज, तो जब अपोलोजेटिक कहते हैं अपने ईमान का दिफा, अपने ईमान का दिफा जरूर करें लेकिन दलील के साथ। अगर आपके पास कोई दलील मौजूद नहीं और आप अपने ईमान का दिफा भी कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, दूसरे मजहब के लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप दलील नहीं देंगे। यानी अपोलोजेटिक का मतलब ये होता है कि जवाब दें लेकिन दलील के साथ। और इसका दूसरा मतलब ये भी नहीं होता कि हर चीज लड़ाई और झगड़ा, बल्कि अपोलोजेटिक जो है वो तो एक मनादी है, अभी अपोलोजेटिक की जरूरत है। जो आजकल के हालात पाकिस्तान के और इंडिया के और इन कंट्रीज के बने हुए हैं, अपोलोजेटिक की बहुत जरूरत है उसमें। यानी हमने मनादी तो करनी है लेकिन मोहब्बत के साथ, मोहब्बत के साथ। और ये बाइबल मुकद्दस जो है ना, ये मोहब्बत का दर्स ही देती है, आमीन। ये पूरी की पूरी मोहब्बत है, ठीक है जी। मोहब्बत पे भाई ने पिछले हफ्ते बयान किया था, ये मोहब्बत का दर्स है, ठीक है। और मुकाशफा से लेके पदाइश से लेके मुकाशफा तक जितनी भी मोहब्बत की आयतें थी सारी की सारी मैंने भाई को भेजी थी, शायद आपने पढ़ी होंगी। तो ये पूरी की पूरी जो बाइबल है वो मोहब्बत का दर्स देती है। और हमें भी जो अपोलोजेटिक करना है या उनके सवालों का या अपने ईमान का दिफा करना है वो लड़ाई से नहीं करना बल्कि मोहब्बत से। और दूसरी बात जो मैं कर चुका हूँ कि अपोलोजेटिक या दूसरों के सवालों का जवाब देना भी एक मनादी ही है। आप खुश हो अगर आपसे कोई सवाल करता है तो आप खुश हो, क्योंकि आपको मनादी का मौका मिल गया है। भाई इश्तियाक इधर आके हमें बताते हैं कि भाई लोग हमसे सवाल करते हैं तो हम उनके जवाब देते हैं, तो इसमें खुशी महसूस करें, इसमें ये महसूस ना करें कि वो कौन होता है हमसे सवाल करने वाला, या वो बाद लोगों को सवालों के जवाब नहीं आते हैं ना तो वो झगड़ते हैं और वो दूसरों को कहते हैं कि भाई यार इनू क्या मेरे के सवाल ना करेगा। हमारे ही चर्च के एक पास्टर थे, मैं नाम नहीं लेता, ठीक है जी। और हमारे ही चर्च का एक आदमी था, वो सवाल बड़े किया करता था, तो जब वो सवाल किया करता था, ठीक है, तो वो पास्टर मुझे कहते थे जवेद यार तेरी बढ़िया तरह जा रही है, तू इनका मेरे नाल सवाल करे करे। तो भाई अपोलोजेटिक का ये मतलब नहीं है। जब आपने मनादी करनी है तो मनादी में आपको सवालों के जवाब भी देने पड़ेंगे और दलील भी देनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो झगड़ा हरगिज नहीं हमने करना। और मनादी में एक चीज जो मनादी की कुंजी है की है वो आपने याद रखना है कि हमेशा आपने सच बोला, झूठी बात कभी भी नहीं करनी। अगर आप झूठी बात करेंगे तो आपके गले का तौक बन जाएगी, तौक कहते हैं हार को। अब वो फूलों का भी हो सकता है और वो छिद्रों का भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर आप सच्ची बात करेंगे कलाम के मुताबिक दलील के साथ करेंगे तो आपको फूलों का हार डाला जाएगा और लोगों को आप खुदा के पास लेके आएंगे, ठीक है जी। जबूर नबीस इसके बारे में क्या कहता है वो हम पढ़ते हैं सच बोलने के हवाले से। जबूर नवीस 119 जबूर 163 आयत में कहता है, वो कहता है मुझे झूठ से नफरत है, मुझे झूठ से नफरत है और कराहत है लेकिन तेरी शरीयत से मोहब्बत है। तो जो उसकी शरीयत पर मोहब्बत, उसकी शरीयत से मोहब्बत रखते हैं वो अपोलोजेटिक से कभी भी घबराते नहीं, सवालों जवाब से या मुनादी से कभी भी नहीं घबराते, ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि
हमारा जो चीज है कि जब हमने सच्चाई से किसी के साथ बात करनी है तो हमें उस सच्चाई का खुद भी इल्म होना चाहिए। यानी अगर दूसरे लफ्जों में मैं कहता हूं कि अगर हमारा ही ईमान डामाडोल है, हमें अपने ईमान को ही नहीं पता कि हमारा फेथ क्या है, तो हम अपने फेथ का डिफेंड कैसे करेंगे कि मुझे पता ही नहीं है कि मेरा ईमान क्या है, मैं किस चीज पर बिलीव करता हूं, मेरा अकीदा क्या है, तो मैं अपने अकीदे का दिफा कैसे कर सकूंगा इस पर। ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको अपने अकीदे का सही पता होगा, अभी तो बहुत सारे मिशन्स आ गए हैं ना, जैसे कि यहोवा विटनेस, यहोवा के गवाह, ठीक है जी। तो यहोवा विटनेस के अकायद जो है वो दूसरे जो उनके साथ मैच, ज्यादातर मैच नहीं करते, वो बिदत की तरफ जा रहे हैं, ज्यादातर बिदत की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इस मिशन का नाम भी नहीं था लेना चाहता, मुंह से निकल गया फ्लो में, ठीक है जी। तो अगर आपका अकीदा सही है, अगर आपका अकीदा सही है और आपको पता है कि ये मेरा अकीदा है, तो आपके अकीदे के हवाले से कोई सवाल आपसे करेगा तो आप उसका सही जवाब दे। ये है अपोलोजेटिक। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मेरा अकीदा है इस पर अमल कैसे किया जाए, ये आपको सारा इल्म होना चाहिए। और इसी वसीला से आप अगले बंदे को टीच भी कर सकेंगे कि अगर ये मेरा अकीदा है तो इसको मैं इसके ऊपर अमल कैसे कर सकूंगा, बाइबल इसके हवाले से क्या कहती है, वो आपको पता होना चाहिए, फिर ही आप दूसरे लोगों से इसको जवाब दे सकेंगे। जब हम पहला योहन्ना बाइबल को, प्लीज मेरे हवाले नोट कर लीजिए, थोड़ा टाइम लग जाता है, जब मैं बोलूंगा तो उस वक्त जरूर पढ़िएगा। पहला योहन्ना पांचवां बाब और उसकी चौथी आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसमें लिखा हुआ है, जो कोई खुदा से पैदा हुआ है वो दुनिया पर गालिब आता है, और वो गलबा जिससे दुनिया मगलूब हुई हमारा ईमान है। तो हमें अपने ईमान के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने अकीदे के बारे में पता होना चाहिए। जब हमें अपने अकीदे के बारे में पता होगा तो अपना अकीदा हम दूसरों को बता सकेंगे, तो फिर ही हम गलबा सकेंगे। कलाम ये कह रहा है। अगली बात, जब हमसे कोई गैर मजहब का, अभी मैं उस मजहब का नाम नहीं लूंगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है, वो मजहब कोई भी हो सकता है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है, ठीक है जी। तो अगर कोई गैर मजहब का आदमी हमसे कोई सवाल करता है तो हमें उसका जवाब कैसे देना है, कैसे उसका जवाब हमें देना है, हमें उसका जवाब बड़ी ही तहम्मल से देना। कुछ लोग बड़े गर्म हो जाते हैं, ये हमदा कौन है सारे को पूछना, जैसे मैंने पास्टर साहब की मिसाल दी तो वो बड़ा गुस्सा कर जाते थे, गाड़ी में भी आते जाते मुझे कहा करते थे अक्सर कि यार इन्होंने मेरे को बचा, ठीक है जी। तो तहम्मल से जवाब देना है, हालात जैसे भी हों, मुश्किल हालात भी आ सकते हैं और अच्छे हालात भी आ सकते हैं, आपने तहम्मल का दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना। अगर तहम्मल में आप रहेंगे, मोहब्बत में रहेंगे, तो अगला बंदा जो है वो आपकी बात मानेगा भी। मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोगों को, अगर आप किसी को अपनी बात बताएंगे तो आपकी बात को वो जरूर मानेंगे और उसको फॉलो करेंगे। ये लोग जो है जब आप पे सवाल करेंगे, हमारा आज का जो मौजू है वो फिर से दोहरा देता हूं, अपने ईमान का दिफा, ठीक है जी। तो जब ये लोग हमसे सवाल करेंगे तो दरअसल वो हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, हमें थ्रेट कर रहे हैं, तो हमें घबराना नहीं बल्कि तहम्मल से उसका जवाब देना है। तहम्मल बहुत जरूरी है। आपको धमकी भी मिल सकती है, आपको फोन कॉल भी आ सकती है, आपको ये भी थ्रेट किया जा सकता है कि हम आपके बच्चों को नहीं छोड़ेंगे, आपके बच्चे स्कूल से घर तक नहीं पहुंच सकेंगे, ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी मतलब कि आपको थ्रेट किया जा सकता है। इंसान 25 बाब और उसकी 15वीं आयत में लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं, इसमें लिखा हुआ है, तहम्मल करने से हाकम राजी हो जाता है, तहम्मल करने से हाकम राजी हो जाता है और नरम जुबान हड्डी को तोड़ डालती है। तो अगर आपकी जुबान नरम होगी तो अगला जितना मर्जी सख्त हो, बेशक वो हड्डी की तरह सख्त क्यों ना हो, वो नरम हो जाएगा और आखिरकार टूट जाएगा। और ये मैंने होते हुए देखा है अपनी जिंदगी, ठीक है जी। हम कतर में थे तो वहां हमने बहुत सारे हमको मुसी यसु के पास लेके आए, ठीक है, वहां मैं मनादी करता रहा हूं, उस वक्त मैं पास्टर नहीं था। अच्छा,
रूह के फलों की जब बात करते हैं तो रूह के फलों में जो तहम्मल है वो चौथे नंबर पे आता है। पहला मोहब्बत है, दूसरा खुशी है, तीसरा इत्मीनान है और चौथा तहम्मल। ठीक है जी, तो तहम्मल के साथ आपने जो भी करना है वो करना है, उनके सवालों का जवाब तहम्मल के साथ देना है। तहम्मल के साथ देंगे तो उनकी जो सख्त मजाजी है वो नरम मजाजी में चेंज हो जाएगी और वो आपकी बात को सुनेंगे। ठीक है जी, अगली बात है कि जब कोई आपसे सवाल करता है तो आपने अपने ईमान के दिफा में एक नमूना बनना है, और नमूना आपने कैसे बनना है, बिल्कुल मसीह यसु की तरह नमूना बनना है। मसीह यसु, हालांकि वो मसीह यसु थे, वो कादरे मुतलिक थे, वो तो अपने जो उनके हरीफ होते थे उनको ए रियाकार भी कह देते थे, लेकिन हम कादरे मुतलिक नहीं है, ये भी हमको सोचना। लेकिन नमूना मसीह का हमने अपने आप में अपनाना है, मोहब्बत। ठीक है जी, तो जब हम मसीह का नमूना जो है वो लेके तो उनके पास आएंगे और उनको तरबियत करेंगे तो वो हमारी बात मानेंगे भी, क्यों नहीं मानेंगे। पहले तो मोतियस उसके पहले बाप की 16वीं आयत में लिखा हुआ है, लेकिन मुझ पर रहम इसलिए हुआ कि यसु मसीह मुझ गुनहगार में अपना कमाल तहम्मुल जाहिर करे, ताकि जो लोग हमेशा की जिंदगी के लिए उस पर ईमान लाएंगे उसके लिए मैं नमूना बनूं। तो जब हम मसीह यसु का नमूना लेके चलेंगे तो दूर से लोग आपको पहचान लेंगे कि ओ यसु मसीह का नमूना होगा प्यारे, ओ यसु मसीह के लोग, ओ इन लोगों को भी ट्रस्ट किया जा सकता है, ये यसु मसीह के लोग, ये क्रिश्चियन है, ओ यार सारे का सारा हिसाब किताब इनको दे दो, कोई गल नहीं, ये हेरफेर नहीं करेंगे मसीहों के बारे में, यानी कि एक मसीही को ऐसा नमूना बनना चाहिए। ठीक है जी, अगली बात, अगर कोई आपसे सवाल करता है, कोई भी सवाल बाइबल से किसी भी किस्म का, तो आपने अपने ईमान के दिफा में उसको जवाब देना है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि आपने गलत जवाब कभी भी नहीं देना, जैसे कि मैं पहले भी बयान कर चुका हूं, गलत जवाब देंगे तो आपके लिए मसला बढ़ेगा उसके लिए। अगर आपको सवाल का जवाब नहीं आता तो आप खामोश हो जाएं, आप उसको ये कहें कि भाई मैं इसके ऊपर तहकीक करूंगा फिर तुम्हें जवाब दूंगा। तो गलत जवाब कभी भी ना दें, गलत जवाब जो है वो आपके लिए मुसीबत का बायस होगा। ठीक है जी, और आपकी हार में उसका बड़ा अमल दखल होगा गलत जवाब। ठीक है जी, और दूसरी चीज ये है कि जब वो आपसे सवाल करेगा तो अपनी अनाह का मसला भी आपने नहीं बनाना, अनाह का मसला कभी भी नहीं बनाना। बहुत लोग जल्दबाजी में एक सवाल का जवाब गलत दे देते हैं और फिर उसको अपनी अनाह का मसला बना लेते हैं, नहीं जो मैं कह रहा हूं वही ठीक है। नहीं भाई, जो बाइबल कह रही है भाई वो ठीक है, जो आप कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। बेशक आपने गलती से वो चीज कह दी है तो आप उससे डटाई का मुजाहरा तो ना करें भाई, डट तो ना जाए ना उस पर, आप बाइबल को तो समझे। एक मिसाल देता हूँ, एक कहानी सुनाता हूँ आपको, इस चीज का आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। मैं किसी पास्टर का नाम नहीं लूंगा, मुझे वो पूरा वाक्य भी याद है कौन कौन पास्टर था वहां पर। 5 पास्टर जो कि पाकिस्तान के अच्छे पास्टर हैं, एक कराची वाले, एक लाहौर वाले, ठीक है जी, और एक प्रोफेसर साहब, ठीक है, टी से नाम उनका शुरू होता है, और 2 और लगा लें, ठीक है, एक का नाम मैथ्यू कह दिया, एम से शुरू होता है, ठीक है जी। तो 5 बड़े पास्टर जो कि पाकिस्तान के एक नामर लोग हैं वो एक जगह पर जमा हैं और वहां पर सेमिनार हो रहा है, और सेमिनार में उनको अगली सीटों पे जगह दी, यानी स्टेज के ऊपर उनको जगह दी, और आगे सारी ऑडियंस है। अब ऑडियंस से कहा गया कि अब सवालों जवाब का मौका है, आप ऐसा करें कि ऑडियंस से कहा कि आप इन 5 जो पास्टर साहिबान हैं इनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। तो जब एक औरत उठी तो वो कहती है कि मैंने जो सवाल पूछना है ना वो पास्टर ए से ही पूछना है, ए बी सी डी कोई भी हो सकता है। तो अब पास्टर ए साहब उठते हैं बड़ी जल्दबाजी में और वो उनसे सवाल करती है कि अबू बकर का क्या मतलब होता है, अबू बकर का क्या मतलब होता है, और वो जो पास्टर ए होते हैं जब कंडीशन लगा दी जाती है कि मैंने पास्टर ए से जवाब लेना है और नहीं कोई दे सकता, तो फिर बाकी तो बेचारे नहीं ना देंगे,
फिर वो यही देगा। अब वो सही दे गलत दे वो उसकी किस्मत है। तो जब पूछा गया तो उसने बोला कि अबू बकर का सर क्या मतलब है, तो उन्होंने बोला जी बकरियों का बाप, अबू बकर का मतलब है बकरियों का बाप। तो जो पार्टनर बी थे वो उसके पीछे थे और उन्होंने उनको थोड़ा सा बकरियों का बाप नहीं इसका मतलब है कुमारी का बाप। हालांकि हकीकत भी यही है कि कुमारी का बाप होता है अबू बकर का मतलब। तो जब चूंकि पास्टर ए जो थे वो अपनी बात कह चुके थे तो वो उस पर डट गए, हालांकि बात गलत थी, वो उस पर डट गए कि जो मैं कह रहा हूं वो ठीक है कि बकरियों का ही बाप है, जबकि वो कुमारी का बाप था उसका मतलब। तो फिर बाद में कहा जाता है कि वो पास्टर साहब ने वो छोटे पास्टर साहब को बोला कि इन्हें तो मेरी सरहद सामने बेइज्जती करवा दी थी। तो छोटे पास्टर साहब ने कहा मैं तो हल्की जी गल कीती सी तुसी मान जानी थी। तो बस दफा मान जाने में बेहतरी होती है, डट नहीं जाना किसी चीज के ऊपर, ठीक है, अपनी आंख का मसला नहीं बना लेना चाहिए, बल्कि जो हकीकत है उसी को ही बयान करना चाहिए और उसमें आपकी हकीकत को बयान करेंगे तो उसमें आपकी इज्जत अफजाई भी होती है। अगली बात है, जब आपसे कोई सवाल करता है, आपके ईमान के दिफा में आपसे कुछ पूछता है, तो उसे बहस जरूर करें लेकिन तकरार ना करें। बहस जरूर करें मगर तकरार ना करें। कि जितने भी अपोलोजेटिक हमने देखे हैं इन्होंने बहस की है और एक टाइम फ्रेम में रह के मतलब के सवालों के जवाब भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, लेकिन उन्होंने तकरार नहीं की, झगड़ा नहीं किया उनके साथ, ठीक है। तो बहस जरूर करें मगर तकरार ना करें। जल्दी से मैं अगले हवाले की तरफ जाता हूं। एक चीज मुझे याद आ गई है कि पतरस और जो पलूस थे इनमें भी तो आपस में तकरार हुई थी। देखें बात यह है कि पलूस रसूल जो थे वो एक आलम आदमी था, पढ़ा लिखा आदमी था, ठीक है, गमलीएल का शागिर्द था वो। तो जो पतरस था, ठीक है, वो मसीह यसु का शागिर्द था और पतरस वही चीज को अपनाए हुए था उस वक्त तक कि इसराइल की कोई हुई बेड़ों के पास की जाना है, जबकि पलूस कहता था नहीं इससे आगे भी दुनिया है, हमने गैर कौमों को भी बपतिस्मा देना है। तो बाद में फिर हम देखते हैं कि पतरस के ऊपर खुदा रोइया भेजता है, आसमान से चादर आती है, तो फिर उसको बताया जाता है कि जिसको मैंने हलाल किया है उसको तुम क्यों हराम करो, उसका मतलब ये था। तो फिर जाके वो कर्नेलियस को जाके बपतिस्मा देता है, हालांकि कर्नेलियस जो था वो कोई इसराइली थोड़ी था, समझने की बात है ना। तो इसी तरह जब हम हैकल का नक्शा देखते हैं तो हैकल के नक्शे के अंदर भी गैर कौमों का एक खाता मौजूद था। मैं आपको शायद नक्शा दिखा सकूं, ये हैकल का नक्शा है, ठीक है जी, ये हैकल का नक्शा है। अब इस हैकल के नक्शे में भी हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा इहाता गैर कौमों को दिया गया है। खुदा ने गैर कौमों को अपने हजूर से निकाला नहीं है, यानी गैर कौमें भी खुदा का नाम ले सकती हैं। और उसके बाद बनी इसराइल का इहाता आता है उसके अंदर वाली साइड पे, और उसके बाद हम देखते हैं हवातीन का इहाता, और फिर वो बिल्डिंग जिसको हम हैकल कहते हैं वो आती है, ठीक है जी, बहुत सारे खाते। तो जो गैर अकवाम का जो एक खाता था कलाम में, देखिए मसीह यसु ने क्यों उनको मारा था, क्योंकि कलाम में लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर होगा, तो वो घर दुआ का था, उन्होंने क्या किया हुआ था वहां पर बाजार लगाया हुआ था, तो इसलिए मसीह यसु ने उनको रस्सी का कोड़ा बना के तो उनको मारा, वजह पीछे ये, ठीक है जी। तो ये एक बड़ी डीप बात है, बड़ी गहरी बात है, कभी इस पर भी गौर करेंगे, ठीक है जी। बहस जरूर करें मगर तकरार में, ठीक है, तो समझाने का जो बात ही हुई है। अब गैर कौम के लोग आपसे सवालात करेंगे, आपने अपने ईमान का दफा करना है और दलील के साथ करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईमान का दिफा करना क्यों जरूरी है, ईमान का दिफा करना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है
कि जो पहला पत्रस तीसरा बाप और उसकी 15वीं आयत जो हमने आज के कलाम में पढ़ी है वही इसका जवाब है, क्योंकि बाइबल में इसका हुक्म है, इसलिए ये जरूरी है। अपने ईमान का दिफा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि पहले पत्रस के तीसरे बाप की 15वीं आयत में लिखा हुआ है, बल्कि मैं मसीह को खुदावंद जानकर अपने दिलों में मुकद्दस समझो और जो कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ्त करे उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तहिद रहो मगर हिलम और खौफ के साथ। तो ये है इसका जवाब कि हमें अपने ईमान का दिफा करना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हम कलाम के मुताबिक, कलाम ये कह रहा है कि हमने अपने ईमान का दिफा कर। बहुत सारे लोग अपने ईमान का दिफा नहीं करते तो इसका मतलब है कि वो कलाम पर अमल नहीं करते, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि कोई आपसे सवाल करता है, आपको खुश होना चाहिए कि हमें अपनी बात कहने का मौका मिल गया है, उस शख्स को अपने ईमान के दिफा में अपनी बात बताने का मौका मिल गया है उसको, तो आपको तो खुश होना चाहिए इस बात। ठीक है जी, अगली बात, अपने ईमान का दिफा जो होता है वो एक दीनी फरीजा भी है, हमारा फर्ज भी है अपने ईमान का दिफा करना। वो क्यों है, एक हवाला में पढ़ता हूं, यहूदा का एक ही चैप्टर है, ठीक है जी, और उसकी तीसरी और चौथी आयत में लिखा हुआ है। वो इसलिए जरूरी है कि बहुत सारे लोग हैं जो बिदत फैला रहे हैं हमारे अंदर, ठीक है, बिदती ग्रुप आ जाते हैं, बल्कि चर्च टूट जाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखे हैं चर्च टूटते हुए, ठीक है, बिदती टोले आ जाते हैं चर्चिस में और चर्चिस में तालीम ऐसी दी जाती है, वो जलाद ऐन वाला जो जलाद है उसको गर्दने उतारने वाला जलाद समझ लिया जाता है, यानी कि गलत तालीम फैलाई जाती है, ठीक है, जो टिड्डियां उड़ने वाली होती है उनको फली वाली टिड्डी कह दिया जाता है, इस तरह की चीजें, ठीक है जी। तो इसलिए यहूदा के खत में तीसरी और चौथी आयत में लिखा हुआ है, ए प्यारो इस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूरी जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते जान फिशानी करो। जान फिशानी का मतलब होता है अपने अपनी जान से अपनी जान की भी परवाह ना करो, ठीक है जी। जो मुकद्दस को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाद ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जो मैं पहले बात कर रहा था, बाद शख्स हम में बिदत फैलाने के लिए आ गए हैं, आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा गया था कि बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं। अल्जाम भी लगाए जाते हैं लोगों से कि वो गंदियां गलां करते, ठीक है जी, शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहद मालक और खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं। वो सिर्फ चर्च नहीं छोड़ते बल्कि लालच में आकर अपने ईमान से भी हाथ धो तो गए। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। अब अगर कोई आपसे ये सवाल करे कि मसीहत जो है वो तो जी तलवार से फैली है, जिस तरह हम भी लोगों से सवाल करते हैं ना इस तरह का एक, ठीक है ये फलाना मजहब जो है वो तो तलवार से फैला है, तो भाई अगर इस तरह का कोई सवाल आपसे करे अपोलोजेटिक की मैं बात कर रहा हूं, तो उसको जवाब आपने इस तरीके से देना होता है कि उसको कहें कि भाई तलवार तो हमारे मजहब में भी चली है, आपके मजहब में तलवार सीधी चली है और हमारे मजहब में तलवार उल्टी चली है। आमीन आमीन आमीन। इस बात को हम समझ चुके, आप समझ चुके होंगे। उल्टी चलने का मतलब होता है कि हमारे लोगों ने शहादतें दी इसी तलवार की जद में आके अपनी गर्दनें कटवाई हैं इस कलाम को फैलाने में, ठीक है जी। तो ये चीज है, इस सवाल का ये जवाब दिया गया।
अब फरीजा अजीम क्या है एक मसीही के लिए? मसीही के लिए फर्ज भी तो होना चाहिए ना, जब हमने इतनी ज्यादा बातें की हैं तो उसमें एक फर्ज भी होना चाहिए एक मसीही का। और मसीही का जो सबसे बड़ा फर्ज है वो है मसीहत की मनादी करना। और ये मनादी करना जिस तरह के कलाम में एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, बल्कि पांच बार इस चीज का जिक्र है। अजीजों कलाम में जो एक बात की जाती है उसकी अहमियत होती है, जो दूसरी बात की जाती है अहमियत बढ़ जाती है, जो तीसरी बात की जाती है तो अहमियत और ज्यादा बुलंद हो जाती है। जब पांच मरतबा कोई चीज बोली जाती है कलाम में तो उसकी अहमियत क्या होगा। ये फरीजा अजीम है मुनादी। और वहां पर क्या हुक्म है कि जाओ सारी कौमों को अपना शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नसीब से नाम से बसमा दो। बाद लोग तो बपतिस्मा भी नहीं देते, ठीक है जी, वो कहते हैं जो बचपन में हो गया वही बपतिस्मा है, हालांकि वो मुनसूसियत होती है, ठीक है जी। तो उनको सारी कौमों को अपना शागिर्द बनाओ, ये है अपोलोजेटिक, ये है अपने ईमान का दिफा। आपने अपने ईमान का दिफा भी करना है और उनको शागिर्द भी बनाना है और उनको तालीम भी देनी है। अपोलोजेटिक से आपको होगा क्या, एक चीज मैं कहता हूं, अगर आप अपोलोजेटिक का सब्जेक्ट पढ़ेंगे, अपने ईमान के दिफा में वो वाला सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आप एक दानिश्वर मसीही बन जाएंगे। आमीन। आप एक दानिश्वर मसीही बन जाएंगे। और इसके अलावा एक और चीज, आपका अपना ईमान मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। और आप दूसरों के लिए ठोकर का बायस नहीं होंगे। आमीन। एक मसाल जो है, मसीह यसु जो थे ना, मसीह यसु ने भी अपोलोजेटिक किया, ठीक है जी। मसीह यसु ने अपने ईमान का दफा भी किया, ठीक है। ना सिर्फ अपने ईमान का दिफा किया बल्कि दावा दायर कर दिया मसीह यसु ने, और ना सिर्फ दावा दायर कर दिया बल्कि उस दावे को पूरा भी किया, और ना सिर्फ उसको पूरा किया बल्कि सबूत के साथ मसीह यसु ने वो दावा पूरा किया। जब हम मरकस की अंजील पढ़िए, मरकस की अंजील उसका दूसरा भाग और उसकी एक से लेके बारहवीं आयत पढ़ते हैं, पढ़िए प्लीज। दूसरा पाँव जी, एक से बारह। हाँ जी। कई दिन बाद जब वो कुफरे नहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही, और वो उनको कलाम सुना रहा था, और लोग एक मफलूज को चार आदमियों से उठाकर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यसु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहां बास फकी जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे, ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिलफोर यसु ने अपनी रूह से मालूम करके वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो, आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर। लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। आमीन। आमीन। हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। और ये नमूना मसीह यसु ने पेश कर दिया, उनके साथ अपोलोजेटिक किया। मसीह यसु ने एक दावा किया और उसको पूरा किया, उसको शफा दी, ठीक है,
और ना सिर्फ उसको शफा दी बल्कि सबूत के साथ उनको शफा दी, और वो लोग जितने भी अपने दिलों में सोच रहे थे वो भी ये कहने पर मजबूर हो गए। आखिरी आयत में लिखा है वो भी ये कहने पे मजबूर हो गए और सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करने लगे, करके कहने लगे कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। तो अजीजों ये है अपने ईमान का दिफा, ना सिर्फ उन्होंने वो चीज का दावा किया बल्कि उसको पूरा किया, बल्कि सिर्फ पूरा नहीं किया बल्कि ईमान के साथ उसको पूरा किया, बल्कि उसका सबूत भी दे दिया। तो हम भी जो मसीह यीशु के मानने वाले हैं वो ये सब कर सकते हैं, लेकिन हमें अपने ईमान में मजबूत होना है। आज हमें ये सोचने की जरूरत है कि वो कौन सी चीज है जिस चीज की हम में कमी है कि हम उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकते। हमें बाइबल मुकद्दस को इसकी स्टडी करना चाहिए, या कमूसल कदाब जो बाइबल मुकद्दस की डिक्शनरी थी उसको बनाने का मेरा मकसद, उसकी ऐप लॉन्च करने का मेरा मकसद यही था कि हम बाइबल को अच्छे तरीके से समझ सकें। हालेलुया, आज के कलाम के वसीले से खुदा आपको बरकत दे। आमीन।